राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को फीस माफी व सब्जी मंडी खोलने के लिए सौंपा ज्ञापन। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से। पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जाखोदा बाईपास पर माननीय राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल व नगर परिषद बहादुरगढ़ के वाइस चेयरमैन विनोद कुमार जांगड़ा ने फीस माफी व बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी खोलने के लिए ज्ञापन सौंपा। वाइस चेयरमैन विनोद जांगड़ा ने सब्जी मंडी के लिए भी फुटकर विक्रेता के लिए मंडी को सभी वर्गों को देखते हुए खोलने के लिए गुहार लगाई, जिससे उनकी रोजी रोटी शुरू हो सके और दिनचर्या का बोझ उन पे ना पड़े। उन्होंने राज्यसभा में फुटकर विक्रेताओं को माशाखोर शब्दावली को बदलने की मांग को उठाने की बात कही। ज्ञापन देने के दौरान हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल व बादली विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स से भी इस बारे में अवगत कराया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल जिला झज्जर के प्रधान जयवीर सिंह ने सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को स्कूल, यूनिवर्सिटी व इंस्टीट्यूशन में 2020, 2021 व 2021-2022 तक 50% फीस में छूट देने की गुहार लगाई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आश्वासन दिया कि मैं इन दोनों ही मांगों को राज्यसभा और विधानसभा दोनों सदनों में रखूंगा और यह दोनों मांग बिल्कुल जायज है। वाइस चेयरमैन विनोद कुमार जांगड़ा की सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तारीख दी कि उनका कहना है कि युवा साथी विनोद कुमार जांगड़ा के नेतृत्व में शहर में काफी विकास कार्य हो रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद के वाइस चेयरमैन विनोद कुमार जांगड़ा तारीफ के काबिल है। जिस तरह विनोद कुमार जांगड़ा के नेतृत्व में इन मांगों को उठाया है वो बिल्कुल सही है। इस समय कोरोना महामारी के दौरान जो देश में आर्थिक मंदी का सामना लोगों को करना पड़ा, जिसकी वजह से सभी को अपना जीवन निर्वाह करना भारी हो गया है, ऐसे में सीधा सीधा असर देश के गरीबों पर पड़ा है, जिसके लिए उनका जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए, साथ ही साथ स्कूल फीस की बात को लेकर अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहिए। और जहां सब्जी मंडी विक्रेताओं की मांग है, मैं बहादुरगढ़ जिला उपायुक्त झज्जर से बात करके उनको अलग से जगह देने के बारे में अवगत कराया जाएगा। सब्जी मंडी के विक्रेताओं की मांग है, उनको जोरों शोरों से उठाऊंगा। और उन्होंने बताया कि सरकार मांसाखोर की शब्दावली पर रोक लगाई जाए और विक्रेता शब्द का इस्तेमाल करने की पहल की जाए। बड़ौदा चुनाव को लेकर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ इस चुनाव में जीतेगी और विपक्ष इस बात को हजम नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि वाइस चेयरमैन विनोद कुमार जांगड़ा कांग्रेस परिवार में दोबारा शामिल हुए हैं, उससे भी कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है। परिवार में यह बात छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, उससे विरोधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में अमर शहीद वीर जवानों की शहादत को नमन किया, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। उनका कहना था कि हरियाणा वीरों की भूमि है और इस वीर भूमि से कारगिल के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी और कारगिल युद्ध में जीत प्राप्त की थी। हमें इन वीर अमर शहीदों की शहादत को हमेशा याद रखना चाहिए। वही मांग सौंपने के दौरान हरीश, सुनील, राजेश्वर, पुष्पेंद्र, परवीन, नितिन, राहुल, राम भगत, विनोद, देव सोनी, कमल संजय, लक्ष्मी नारायण, प्रदीप दलाल, बलवान, सुभाष, देवकी नंदन, काशीनाथ, ईश्वर, सुखबीर, विशाल, अनोखा लाल आदि उपस्थित रहे। ज्ञापन देने के लिए आए हैं फीस माफी को लेकर और मांसाखोर को जो सब्जी मंडी खुलवाने की मांग। ये तो दोनों ही जो मांगे विनोद राजा, ये जो नगर पालिका भादौड़ के हमारे वाइस चेयरमैन, नगर परिषद भादौड़ के वाइस चेयरमैन हमारे विनोद जी के नेतृत्व में जो बातें कही गई, दोनों ही मांगे जाए। पहली के तो हम भी मांग कर रहे हैं कि जो स्कूल के अंदर जो फीस, जिन स्कूलों के अंदर अभी क्लासेस नहीं लग रही और क्योंकि इतनी बड़ी चोट, आर्थिक चोट इस कोरोना की वजह से मध्यम वर्ग को पड़ी है, कुछ ना कुछ राहत दी जाए। सरकार की तरफ से भी सब्सिडी मिले, अगर ऐसी कोई स्कूल है कि स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है, उनको सरकार की तरफ से भी सब्सिडी देने की ज़रूरत हो तो वो भी दी जाए, मगर अभिभावकों को कोई ना कोई राहत इसमें दी जाए। सर राज्यसभा में इसको पॉइंट में उठाएंगे, इसको राज्यसभा में भी उठाएंगे और विधानसभा में भी। मैं सारे विधायक दल से अपना आग्रह करूंगा, अभी सारे विधायक गण हम बच्चे थे, दोनों जगह दोनों सदनों में इस बात को उठाएंगे। कारगिल दिवस ही मनाया जाए। दूसरा, ये जो एक सब्जी मंडी को लेकर एक जो बात आई है, ये जायज़ मांग है। इस प्रकार का जो शब्दावली है उसको, उसका शब्दावली पर प्रयोग पर रोक लगे और उनकी सुविधा हो जो है अपने, तो ये इनकी इस बात को लेकर डीसी जैसे मैं स्वयं बात करूंगा और उन पर उन तक ये बात पहुँचा दे और उनको अलग जगह दी जाए, उनको अलग जगह दी जाए ताकि वो
चले तो ये इस बात को भी हम टेकअप करेंगे। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पे मैं अपनी तरफ से देश के सभी शहीदों को और देश की फौज को नमन करता हूँ। ख़ास तौर पे जो इलाका, ये इलाका, इस इलाके से सबसे ज़्यादा शहीद अगर कारगिल की के युद्ध में एक एक गांव ने जो है एक शहादत देने का काम किया है, तो वो इलाका हरियाणा की ये वीर भूमि है। इस भूमि को भी हम बार बार नमन करते हैं। सर, बरोदा चुनाव को लेकर अभी बरोद वहीं जा रहे हैं, गुहाना करेंगे। चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ, सर विनोद दोबारा जो है कांग्रेस में आ गए। ये विनोद मेरा भाई है और जो है बहुत कोई आज का नहीं है, तो हमारा एक आत्मिक और एक पारिवारिक संबंध है। बीच में कुछ कई बार गलत फहमियाँ हो जाती हैं जी जी। आज हमारा परिवार उससे विनोद के आने से बहुत मजबूत हुआ है और एक परिजन के रूप में। सर, कोरोना के बहाने बीजेपी देश को लूट के खा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, 20 लाख करोड़ दिया है। हम मैं सब जगह जाके पूछता हूँ कि 20 लाख करोड़ में से किसी को कुछ मिला, मगर अभी तक पता चला है कि 20 लाख करोड़ में से एक पैसा भी किसी आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर के पास नहीं पहुँचाया। इस सरकार ने केवल जो है नाम का ये एक आर्थिक पैकेज है। दुनिया के सारे देशों ने आर्थिक पैकेज दिया, इस समय सारे देशों ने डीजल पेट्रोल को रिकॉर्ड सस्ता करने का काम किया, क्योंकि दुनिया में रिकॉर्ड सस्ता हो गया, मांग रही नहीं डीजल पेट्रोल की। मगर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, यहाँ की सरकार ने डीजल पेट्रोल को रिकॉर्ड तौर बढ़ोतरी उनके दाम में, और गरीब आदमी और किसान पर चोट मारने का काम किया, किसी वर्ग को कोई राहत नहीं पहुँचाई। आज देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हमें बड़ी चिंता है।